मुझे लग रहा है कि एक आध कॉफी मार लेते हैं रास्ते में। अच्छा मारनी है? तुम कहोगे तो, वरना मुझे तो नहीं पीनी। एक कॉफी शेयर कर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम तो अभी स्ट्रिक्ट उस पे हो कि कॉफी नहीं पियोगी अब शाम को। हाँ। तो फिर तुम मत पियो, मैं पी लूंगा, तुम देख लेना मेरे को। ऐसा कर लेते हैं ना, मेरा मुंह देख लेना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक और कठिन दिन अमिता के बिना शुरू हो चुका है और प्लान यही है कि भाई सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके आया जाए, एक एनर्जी बना ली जाए, फिर दिन प्लान करेंगे कैसा करना है। तो अभी बच्चों को खाना पीना देके थोड़ी साफ सफाई करके अब हम लोग निकल गए। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कोई कठिन दिन नहीं है, कठिन इसलिए क्योंकि बस अमिता नहीं है, तो जब जाना पड़ता है बाहर तो दिक्कत हो जाती है। बट बच्चों को खाना दे दिया है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के लिए मैं जा नहीं पाऊंगी जिम, तो मैंने यहाँ पे घर पे ही बुला लिया है कि पीयूष को बोला मैंने कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत डांस वांस करा दे, थोड़ा सा एक्टिव हो मसल्स, तो मैंने शुरू कर दिया वो। और आज कोको और चेरी का अपॉइंटमेंट भी है हेयर कट का, तो हेयर कट करवाऊंगी। फिर आज शाम को इफ्तारी में भी जाना है हमें, तो ये सब करते हुए हम लोग वापस आएंगे। दोस्तों आपको मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में, सब चीज के साथ। बहुत पतली लग रही हो बेबी, बहुत ज्यादा, अब इससे ज्यादा मत होना। ये ऐसे मजाक करना है? नहीं नहीं, पतली लग रही हो सच में, मजाक लोग बता देंगे तुमको। जी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अविनाश अब यहीं पे रुक रहा है क्योंकि इसको अपना कुछ राइटिंग वर्क करना है। मैं चली घर क्योंकि मेरी क्लास भी है और मुझे बच्चों को भी देखना है, तो मुझे अभी एक डेढ़ घंटा वो सब खत्म करने में लगेगा। मैं अपना खत्म करती हूँ, अविनाश का मन नहीं आने का, अविनाश को ये छोड़ के जा रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपना वर्कआउट डांस घर में करूंगी, तो यहाँ पे कुनाली आई हुई है और हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। बस आपको बता दो कि अंदर बॉडी में जान है नहीं, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई पैर, जितना डॉक्टर ने बोला था पीछे रखना, पैर पीछे रखना, सारा मेरा वेट पीछे किया हुआ था, अब ये लोग कह रहे हैं उसको आगे लाओ। बहुत हो गया डर की जिंदगी जीना, तो हम लोग डर पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है मेरा पैर। और पैर मेरा बहुत डरावना सीन है मैं आपको बता दूं, लेकिन उस डर पे ना हम लोग काबू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे भी हालत में करना है, तो हम लोग कर रहे हैं। और थैंकफुली बिकॉज ऑफ पीयूष एंड कुनाली मैं कर पा रही हूँ। सबकी बहुत ज्यादा मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं, प्रोत्साहन चाहिए और खूब मोटिवेशन चाहिए आप लोगों की तरफ से, सो दैट मैं ये सब कर पाऊँ। क्योंकि ना मोटिवेशन इस समय अकेले आना बड़ा मुश्किल है, आप लोग मुझे और मोटिवेट करोगे ना तो शायद मैं कर पाऊंगी। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। हमने अभी 3 गानों पे ऑलरेडी कर लिया है, अब आगे तो चलता जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बॉडी को हिला रही हूँ, डांस नहीं करी, हिला रही हूँ। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चुन चुन यहाँ पे परेशान हुई है और कोको जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ पे पैर में आ जा रहा है, मतलब मुझे करने ही नहीं दे रहा है कुछ। जब मैं देखती हूँ मेरे पैरों के बीच में होता है, ऐसे उठ हिल ही नहीं रहा है यहाँ से। देखो मैं आके बैठी हूँ तो यहाँ के बैठ गया। कोको कोको बेटू क्या हो गया, क्यों डर रहा है, मम्मी को कुछ नहीं हो रहा, उसको लग रहा है मेरी मम्मी के साथ ना कुछ गलत कर रहे हो आप लोग। मैं भी घर पे आ गया हूँ, संभावना की क्लास हो गई है और अब कोको चेरी को ले जा रहा है हेयर कट के लिए। मैं आपको क्या बताऊँ, इन्होंने इतनी बुरी हालत करी है ना कोको और चुन चुन ने, तो खासकर यार कोको को ये लग रहा है ना कि उसका भी सुबह एक ट्रेनर आता है जो उसको टॉर्चर करता है, उसको ऐसा लगता है कि टॉर्चर करता है, वो तो ट्रेनिंग हो रही है, उसको लग रहा है मेरी मम्मा को भी कोई तंग करने आया हुआ है मेरी तरह। मम्मा का दर्द समझ पा रहा है वो कि ट्रेनर के साथ क्या दर्द होता है। बेबी बहुत तुम्हें मालूम नहीं है, तुम तो नहीं थे, ब्लॉग भी उतना नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बच्चे ने ये कैसा करता है मेरे साथ यार, ये बहुत प्यार करता है। इसका प्यार जताने का तरीका ना खुंखार है थोड़ा, बाल कटवा के आएंगे अच्छा लगेगा। जी बड़ी मुश्किल से ठूस ठूसा के इन दोनों को बिठाया अंदर, और कोको तो बहुत जिद्दी हो गया भाई साहब, किस तरह ठूस ठूस के गाड़ी में बिठाया है। देखो मैं तो जैसे पसीने में हूँ मैं वैसे ही निकल आई हूँ इनको लेके, और ये इतने एक्साइटेड है, इनको लग रहा है कि हम इनको पिकनिक लेके जा रहे हैं, तो पता लगेगा। चल कटेंगे ना तेरे बाल, तेरे रेशमी घुंघराले बाल। अच्छा मैं दिखाती हूँ मेरे पास अगर है तो, लेकिन इसका भी थोड़ा सा मुंह रखना है, ये ना यहाँ से सारा गीला कर देता है पानी पी पी के, तो इसके यहाँ से लंबे नहीं रखते हैं, तो शॉर्ट ही करना है लेकिन बिल्कुल गंजा नहीं करना मुंह, तो मुंह का छोड़ते हैं हम लोग थोड़ा सा पॉज पे, यहाँ पे छोड़ते हैं इसके बाल, मतलब ऑब्वियसली ट्रिम करके लेकिन पॉज पे छोड़ते हैं, बाकी सारा इसको गंजा कर देते हैं है ना। और पूंछ रखेंगे इसका, बाकी एक बार देख लेते हैं मुझे मेरे पास एक चेहरा। हां जी चलो 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 हां, चेहरा के ईयर क्लीन भी है वो बचाना चाह रहा है चेरी को। अच्छा कोको चेरी को बचा रहा है भाई, चेरी को बचा रहा है, खुद भी बच रहा है।
इसका स्पाइन का प्रॉब्लम है चेहरे का, पूरे बचाने के लिए क्या कर रहा है बेबी यू नहीं बाबा बहुत कुछ करता है इंटरेस्ट तुमको बहुत प्यार करता है अभी तुम्हारे साथ अंदर हर जगह चला है बहुत प्यार करता है तुमको तरीका अलग है उसका एक्सप्रेस नहीं कर पाता मेल है ना ओह माय गॉड ओके ओके हाँ मम्मा का बॉय पूरा बाबा कहाँ गया नहीं कह रहा है उधर ही रोना चालू कर दिया आजा मेरे बच्चे यहाँ से बड़ा हाँ। लेकिन ये भी ट्रिम हो जाएगा लेकिन यहाँ से थोड़ा बड़ा तो ऐसा लगता है जैसे शेर आ रहा है बेल बॉटम इफेक्ट बेल बॉटम हाँ बेल बॉटम बेल बॉटम इतना पार्ट शॉर्ट रहेगा ना हाँ इतना पार्ट नहीं इतना हाँ इधर से इतना हाँ, इतना ही छोटा है और वो ट्रिम हो जाएगा बुकी टाइम बुकी टाइम ओह माय गॉड बुकी बुकी वी आर हंग्री वेरी वी आर हंग्री किसी ने हमें देखा ही नहीं हमने तो भूख से मरे जा रहे थे किसी ने देखा ही नहीं हमको चलो जी जब तक बच्चे अपना हेयर कट वगैरह कराएंगे मैं काफी सारा काम खत्म कर रही हूँ आज मैंने अपनी बहुत सारी ज्वेलरी जो हमारे यहाँ पे काम करने आ रही है उनको दे दिया क्योंकि उनके काम आ जाएं काफी सारी बेड शीट्स उनके काम आ जाएंगी ये काफी सारा सामान हमने निकाला है और अब मैं निकालने जा रही हूँ कप्स काफी सारे कप्स मैं आज यहाँ के निकाल दूंगी जी आप देख सकते हो ये सारे कप्स हैं जो मैंने दे दिए हैं ये मेरा काफी सारा सेक्शन जो है वो खाली हो गया इधर से भी बहुत निकालने हैं बट मैं अभी इतना सारा एक ही दिन में नहीं करूंगी क्योंकि आज किचन का भी मैंने बहुत सारा सामान निकाला है बहुत सारा आपको भी दिखाती हूँ मैं किचन का भी देखो बहुत सारा सामान जितना हो सकता है ना मैं इसको क्लियर कर रही हूँ सामान को जितना हो सकता है मैं जितनी चीजें हो सकती है मैक्सिमम बेसिकली मैं निकाल रही हूँ उसकी काम आएगी और ये घर से भी चीजें कम हो जाएंगी मुझे नेक्स्ट जो करना है ना मुझे ना बॉटल्स भी सारी निकालनी है वो कल करेंगे है ना वो कल करेंगे आज बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना तो जी काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है मतलब ऐसे ही चीजें रखी हुई हैं अभी तो ये देख लो नीचे का भी तो मतलब बहुत ही ज्यादा समेटा समाटी है तो मैंने एक घंटे के बाद मैंने दोबारा से बुलाया है ताकि मैं बच्चों को लेके आ जाऊं क्योंकि बच्चों के वहां से भी फोन आ गया है कि वो लोग तैयार हैं तो मेरी ना हालत खराब है देखो आज इफ्तारी के लिए भी जाना है तो अभी आके फिर दोबारा नहाना पड़ेगा मेरे को नहीं कि नहाना पड़ेगा मेरे को दोबारा क्योंकि पसीने आए उसके बाद मैं फिर बच्चों के लिए चली गई फिर आके सफाइयां ये सब कर रही हूं तो आके दोबारा से मैं शावर लूंगी लेकिन अभी पूरा काम खत्म करना है और उसके बाद सारी चीजें होंगी यार बेबी इफ्तारी के लिए भी तैयार हो रहे हैं जल्दी कर लो तो चल क्यों नहीं रहे हो हाँ हाँ और इनको भी लेके चलना पड़ेगा अब तो चुनचुन को नेल्स कट के लिए लेके जाना है तो उसको छोड़ नहीं सकते अकेले चल मेरे बच्चों आओ चेनी चेनी अब मामा मंचू घूमी करने जा रहा है मामा मंचू क्या ओह माय गॉड ओह हेलो से हाय टू द वर्ल्ड तो जी हम लोग आ गए हैं छिंचा को पता नहीं है कि उसके भी नेल्स कटने वाले हैं आज लेकिन टेंशन तो शुरू हो गई है फिर इसके नेल्स ना घूम के इसके ही उसमें अंदर पैर में घुस जाते हैं और फिर अंदर अंदर पेन पहुंचाते हैं इसको इसके नेल्स भी तो ऐसे ना घुमावदार इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है ना कटने की ज्यादा वेन्स आ जाएगी ये हो गए ये अंगूठे वाले जो टर्न हो रहे छोटे ही हैं ये तो काफी टर्न हुआ हां इसको काटना पड़ेगा यही तो मेन है ये मेल फाइलिंग की जरूरत है क्या हां मैंने आपको ले दी वो साफ है अच्छा गुड गर्ल ओके वी आर डन हमने नेल कटिंग करा ली हमने फाइलिंग करा ली हमने सब करा लिया मम्मा भी यही है मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये अगर थोड़ा सा और कम हो जाता ना ये वाला एरिया मैंने ये रखना था मुझे उतना बहुत ये लगता है ठीक है करे वो चेरी को छोड़ता नहीं है चेरी का पूरा ध्यान रखा है अच्छा तो
तो जी घर पे बच्चों को फटाफट सेटल करके हम लोग फिर से निकल गए हैं। इफ्तारी के लिए जाना है हमको, तो उसके पहले रास्ते से कुछ मिठाई वगैरह खरीदनी है जिनके यहाँ जाना है उनके लिए। खजूर लेते हैं बेबी। खजूर, हाँ खजूर खरीदने हैं, तो थोड़ा हम पहले ही निकल गए, अभी उजाला ही है, इफ्तारी का टाइम थोड़ा लेट है, तो फटाफट जाएंगे खजूर खरीदेंगे। थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा टाइम है, मुझे लग रहा है कि एक आध कॉफी मार लेते हैं रास्ते में। मारनी है तुम कहोगे तो, वरना मुझे तो नहीं पीनी। एक कॉफी शेयर कर लेते हैं। नहीं नहीं तुम तो अभी स्ट्रिक्ट उस पे हो कि कॉफी नहीं पियोगी अब शाम को। हाँ। तो फिर तुम मत पियो, मैं पी लूंगा, तुम देख लेना मेरे को वैसा कर लेते है ना, मेरा मुंह देख लेना बस। ये सबसे बेस्ट है, सॉफ्ट और जम्बो है। अच्छा ये लेकिन सीड वाले है ना, सीड होंगे ना ये वाला, तो ठीक है जी। इफ्तारी हो गई है और इफ्तारी के बाद मैं यहीं पे पास में ही एक शॉप पे आई हूँ कुछ कुर्ते देखने के लिए। मुझे कुछ अच्छा लगा बाहर, अब मैं देख रही हूँ अंदर क्या है, तो अगर कुछ कलर अच्छे मिले तो एक सेट तो कम से कम पिकअप कर लूंगी मैं। हाँ, कलर्स फिर भी आप और दिखा दो मुझे। ये बहुत प्यारा कलर है यार। नहीं नहीं कलर सही है, मतलब ये मटेरियल वो नहीं है, विस्कोस है, विस्कोस बोले तो जॉर्जेट से थोड़ा प्रीमियम। ये वाले जो है मैं ये वाले पहनती हूँ, ये मसलिन है। ये ज्यादा महंगे होते हैं मसलिन? नहीं ये ज्यादा महंगे होते हैं, सेम होते हैं लेकिन ये वर्क के वजह से इसका थोड़ा। इसमें कलर्स बताना क्या क्या है। कोई ग्रीन कलर है क्या आपके पास किसी चीज में? मैंने ग्रीन नहीं पहने कभी, डार्क ग्रीन हूँ। मुझे लगता है यही ज्यादा अच्छा लगेगा वैसे खिला हुआ, तो क्योंकि थोड़ा सा लाइट है। देखिए ये मटेरियल अलग है, तो वह एक बार ये ट्राई कर लेती हूँ, है ना। आप मेरे को साइज दे दो, अगर कुछ भी लगेगा ना तो मैं चेंज करवा लूंगी। मैं आपको बता दूँ ये लोचा ना बीच बीच में चेरी की बॉल ले लेके खेल रहा है, उसमें जंप मार मार के जा रहा है। अगर मैं कवर कर पाई ना, आप कवर करती हूँ, ये देखो अंदर लड़ पड़े। अरे ये तो बहुत फनी हुआ पड़ा है लोचा तो। अब जा रहा है उसके पास, जा रहा है छुट के पास। देख रहे हो क्या कर रहा है? पता नहीं क्या हुआ इसको, बॉल के पीछे भागा है, अब छुप रहा है इधर से। देखो देखो ये क्या कर रहा है, देखो। ओए! कुछ नहीं वो खेली कर रहा था आपके साथ। बेबी उसको ना सिर्फ खेलना है, उसको कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं करना चाह रहा, वो सिर्फ खेलना चाह रहा है। इस समय आया कोको भी। हाँ बदला ले रहा है चुन चुन का। हाँ हाँ सिर्फ भूल दे रहा है उसको, कह रहा जवाब दे तूने चुनचा पे ऐसे क्यों किया अटैक, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, देख लूंगा, बताता हूँ मैं, मेरे माँ बाप साथ में है, ये सब कह रहा है उसको। उसने एक ही बार मारना है इसको, और जा भी नहीं रहा आगे, चेन छूटी हुई है, मैं आपको बता दूँ, जा नहीं रहा लेकिन आगे। चलो चला गया, ऐसा कह रहा है जैसे मैंने देखा नहीं उसको। अरे यार लोचा को सिर्फ एक्चुअली लोचे को खेलना है, कुछ करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो जाता ना खूंखार खेल। देखो छुप के बाहर करना चाह रहा है, देखना चेरी आएगी ना वहां से तो ये तैयार हो जाएगा। अच्छा नहीं लगा कि मेरी गैर मौजूदगी में सुने मेरे सिब्लिंग्स को बदला लेना चाह रहा है वो। बदला ले रहा है क्या? मैं यहीं बैठा हूँ आजा। आपको बदला लेना था ना बेटा, ले लो, बदला लेना था ना आपको, जाओ। नहीं अब नहीं लेना, आजा लेना बदला।